हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड ए मैग्नेटिक फील्ड्स। मोर स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे मोटर प्रिंसिपल के बारे में, ठीक है। हाउ द मोटर वर्क्स वो हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि ये जो चीज़ है वो हम लोग ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, आज थोड़ा सा डिटेल्स में उसको रिकैप कर लेते हैं। तो जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अगर कोई वायर में करंट बह रहा है, अगर वो वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम लोग रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई भी वायर को अगर रखेंगे और उसके अंदर अगर करंट जाएगा, करंट पास करेंगे, तो क्या होगा, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। और जो फोर्स होता है उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से निकालते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को देख लेते हैं। If we extend our index finger, middle finger and thumb in such a way that they are perpendicular to each others, ठीक है, लेफ्ट हैंड का, ओके, लेफ्ट हैंड, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड का तीन फिंगर्स को ऐसे एक्सटेंड करना है ताकि वो तीनों परपेंडिकुलर रहे, थम, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को, ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इफ इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, ये जो इंडेक्स फिंगर होता है हम लोग, मेन जो फिंगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का अगर रिप्रेजेंट करेगा, और मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द करेंट, और मिडिल फिंगर करेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा इंडेक्स फिंगर, और मिडिल फिंगर्स करेंट को रिप्रेजेंट करेगा, देन उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कौन रिप्रेजेंट करेगा, थंब। समझ में आ गया, मतलब अगर लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को हम लोग परपेंडिकुलरली एक्सटेंड करेंगे, और इस कंडीशन में अगर मिडिल फिंगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है, और सॉरी, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और मिडिल फिंगर्स करंट को रिप्रेजेंट करता है, तो थंब क्या करेगा, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन हम लोग इसके सहारे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैग्नेट है, एक मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे मैग्नेट, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऐसे। हालांकि ये थ्री डायमेंशन पिक्चर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है समझना। तो ऐसे मतलब दो साइड है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे एक वायर रखा हुआ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वायर, समझ में आ रहा है, ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा। मतलब इसको अगर अलग से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वायर, ये करंट बह रहा है ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड्स, ऐसे दिखेगा ऊपर से। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा हम लोग कैसे निकालेंगे, इजीली निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड का ये जो मेन फिंगर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ कनेक्ट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ पोल, तो ऐसे होगा। और करंट किधर है, करंट अंदर की ओर है, समझ में आ रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है, करंट अंदर की ओर है, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, इसीलिए फोर्स ऊपर रह रहा है। अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, करंट इधर लगेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। उसको मतलब फिट करना पड़ेगा, इंडेक्स फिंगर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ फिट करेंगे और मिडिल फिंगर को करंट के साथ फिट करेंगे, तो बाकी बचा ए फिंगर, वो क्या करेगा, फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो फोर्स किधर लगेगा, कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, वो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि करंट इधर बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो करंट के साथ फिट करना है, करंट कहाँ पे, करंट मिडिल फिंगर, तो ये मिडिल फिंगर करंट, ऐसे फिट करना पड़ेगा, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, सो इसका ऊपर लगने वाला फोर्स किधर होगा, इधर होगा। अगर करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और ये करंट, तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा वायर के ऊपर, ये जो वायर है, ये वायर है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर ऐसे फिट कर देंगे, करंट के साथ इसको ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड के साथ ऐसे, मतलब बाहर की ओर लगेगा, मतलब इसके वायर के ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा, मतलब वायर को ऐसे फोर्स की वजह से सामने आ जाएगा थोड़ा सा, समझ में आ गया। तो ये जो रूल्स है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसे यूज़ करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे अच्छे से समझना पड़ेगा, ये थ्री डायमेंशनल पिक्चर है, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि डायरेक्शन कैसे बदल रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, मोटर प्रिंसिपल को देख लेते हैं कि मोटर कैसे काम करता है। तो ये है एक टिपिकल पिक्चर्स ऑफ मोटर। तो मोटर में क्या होता है, वो वही प्रिंसिपल में काम करता है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर करंट कैरिंग वायर रहेगा तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो यहाँ पे क्या है, एक लूप है, एक ऐसा लूप है, ए बी सी डी एक लूप है,
जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ से इधर फील्ड होगा और उसके अंदर एक वायर रखा हुआ है, मतलब एक लूप रखा हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी लूप रखा है। और जो दो वायर है ये दो स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है जो क्या होगा एक घूम सकते हैं। और ये जो वायर है इसके साथ यहाँ पे एक क्या है एक्सेल है, मतलब जिसके ऊपर वो सी रिंग रखा हुआ है वो घूम सकता है। और यहाँ पे क्या है एक ब्रास है, ब्रास मतलब एक मेटल होता है, उसके साथ इसको टच है, इसके साथ स्लिप रिंग के साथ टच है और वहाँ से एक वायर निकला और यहाँ से एक वायर निकला जो कि बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो अगर बैटरी ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट क्या क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ पे जाके करंट ऐसे वर्क फिर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा, जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर और उसमें करंट बह रहा है तो फोर्स लगना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं। कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस फिंगर को फिट करना है तो इसको फिट कर दिया, और करंट के साथ इसको फिट करना है तो करंट तो अंदर की ओर जा रहा है तो ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे जा रहे हैं अंदर की ओर और नॉर्थ से साउथ, मतलब इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है। ये थ्री डायमेंशन पिक्चर है, ये जो लूप है लूप का हम नहीं देख सकते, ऐसे रखा हुआ है लेकिन हम लोग ऐसे देख रहे हैं उसको समझने के लिए। तो वो क्या है, लूप अंदर की ओर है मतलब ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, सो ये नीचे की ओर फोर्स लगेगा और यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, मतलब इसके ऊपर नीचे में फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब क्या होगा ये चीज़ ऐसे रोटेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो ऐसा है ऐसा लूप रखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो वायर है इसके ऊपर ऊपर फोर्स लग रहा है, सॉरी इसके ऊपर ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर डाउन, ऐसा रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या होगा ऐसे घूमेगा, इसके ऊपर ऊपर फोर्स, इसके ऊपर डाउन फोर्स, ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जब घूम के इधर आ जाएगा तो सी डी पोर्शन इधर आ जाएगा, बी सी इधर आ जाएगा, तो लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि करंट तो इधर होके इधर जाएगा, तो डी सी होके बी ए होके फिर वापस आएगा, तो करंट का जो डायरेक्शन है वो नहीं बदलेगा, वो एक ही पैटर्न में रहेगा, और जो यहाँ पे लगने वाला फोर्स ऊपर रहेगा, यहाँ पे लगने वाला फोर्स नीचे रहेगा, तो ये क्या होगा कंटिन्यूअसली ऐसे घूमता रहेगा। समझ में आ रहा है, ये थ्री डायमेंशन पिक्चर है, इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। तो दिस इज द मोटर प्रिंसिपल, मतलब एक लूप है तो लूप के ऊपर इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर अपवर्ड लग रहा है, इसके ऊपर डाउनवर्ड, तो दोनों मिला के क्या होगा रोटेट करेगा, ठीक है। तो कोई भी मोटर क्या होता है, जब हम लोग स्विच ऑन करते हैं वो रोटेट करता है, वो कुछ भी नहीं है सिर्फ एक लूप है जिसके अंदर हम लोग करंट पास करते हैं, और वो लूप कहाँ पे रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या होगा रोटेट करता रहेगा। ओके, सो दिस इज नोन एज मोटर प्रिंसिपल। ओके, मोटर इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, मोटर। और यहाँ पे कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग इनपुट में दे रहे हैं, कौन सा एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल, और वो क्या मिल रहा है घूम रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या है मोटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन मोटर व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्शन इज टेक प्लेस, सो इन मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हैं और मैकेनिकल एनर्जी गेन कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं मतलब कुछ चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मोटर, और इसका जो डायरेक्शन होगा मतलब सभी कुछ हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि राइट साइड में एक मैग्नेटिक फील्ड है इधर से इधर, और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाला फोर्स किधर है वो हम लोगों को पता करना है। देखो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को करंट का डायरेक्शन पता करना है। हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करता है करंट ठीक उसके ऑपोजिट में मूव करता है, मतलब ऑपोजिट में होता है करंट, करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है अलग होता है,
ऑपोजिट होता है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है मतलब करंट कहाँ पे कहाँ बह रहा है, नीचे से ऊपर बह रहा है, मतलब करंट का डायरेक्शन किधर मिल गया, ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर। अब हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, कैसे? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मतलब करंट को फिट करना है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड करंट ऊपर, सो फोर्स लग रहा है अंदर की ओर, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऊपर फोर्स कहाँ पे लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। ओके, सो फोर्स इज टूवर्ड्स द फोर्स इज इनवर्ड, फोर्स इज इनवर्ड, इनवर्ट की ओर फोर्स लगेगा, वेरी सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड एक करंट, करंट तो ऊपर है तो ऐसे लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड करंट, सो अंदर की ओर फोर्स लगेगा, थंब अंदर की ओर है, सो इसके ऊपर कहाँ पे फोर्स लगेगा, इनवर्ट लगेगा। अगर करंट नीचे की ओर होता तो क्या होता, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स इधर, इधर आउटवर्ड। ओके, तो ऐसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे मूव करेगा करंट का डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट में होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है ना, इसीलिए क्या होता है, करंट का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट होता है।